take your daddy. Squad! Right. Squad! Right. तेजवीर कन्फ्यूजन हो गया ना बाइक और माइक। अरे वो कहाँ है प्रहलाद? अरे पत्रकार महोदय पीछे देखने दो। स्क्वाड समय से टीम मैनेजर अपनी टीम को लेकर यहाँ लाइनअप करा दो। मोहम्मद इकराम फतेहगढ़ द्वितीय। इधर देखिए भैया, भैया इधर देखिए। शैलेंद्र कानपुर नगर प्रथम। अर्जुन सिंह फतेहगढ़ द्वितीय। फतेहगढ़ से द्वितीय फतेहगढ़ है। ठीक है, रेणु कानपुर नगर द्वितीय। और प्रिय पैंसठ किलोग्राम भार हरीश, ये प्रथम स्थान इनका रह गया है। मैडम देखिए आया 65 किलोग्राम भार में से कमल किशोर फतेहगढ़ प्रथम कुर्सी में। मोहम्मद इकराम फतेहगढ़ द्वितीय। राहुल कानपुर नगर द्वितीय 74 किलोग्राम भार में से। श्री अरुण कुमार यादव व्यायाम शिक्षक राजेपुर शिक्षक बलपुर हम सम्मान करेंगे। मैं दीपिका त्रिपाठी एक बार सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय
के आज जनपद फतेहगढ़ के अंदर ये 25वीं अंतर जनपदीय चयनन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इसके अंदर जो उनकी से टीम पार्टिसिपेट की उसमें कुश्ती कबड्डी भारतोलन सब के बाद ही सभी के अंदर उन्होंने भी हमारे स्कूल और फिर उन्होंने उसमें पुरुष और महिला दोनों तरफ से पार्टिसिपेट किया गया सभी के द्वारा मेडल्स वगैरह जीते गए हैं चंद्र जयंती जीती गई उसके संबंध में एक टीम है जो कि हमारी जोन की टीम जो इनके मध्यम शिक्षक होगी वो स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा अपलोड की जाएगी और आगे जो मेरिट में होने वाले गेम्स हैं जो प्रस्तावित है 19 नवंबर को हम पार्टिसिपेट करेंगे। कबड्डी के अंदर जो चंद्र जयंती है वो फतेहगढ़ के द्वारा लिया गया है इसके अलावा अन्य जितने भी गेम्स हैं उनके अंदर अलग अलग कई कानपुर आउटर इटावा और कन्नौज इनके द्वारा भी लिया गया है और इस तरीके से सभी के द्वारा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था और बहुत ही भावना के साथ बहुत ही स्वाद के साथ में यहाँ पर खेलों का आयोजन हुआ है। पुलिस के साथ बहुत स्ट्रेस का काम रहता है 16-18 घंटे थाने हमारे बहुत ज़्यादा जो सिपाही हैं वो अनफिट हो रहे हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं हो रही है ऐसे में क्या कुछ नया आप करना चाहेंगे आप भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं इसी के लिए मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति को अपनी एक हॉबी जरूर रखनी चाहिए स्पेशली इसके अंदर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चाहे योगा हो चाहे कोई सा भी गेम और उसके लिए अपने पर्सनल थोड़ा बहुत टाइम उसको निकालना चाहिए और लगातार उसके अंदर कंसिस्टेंटली परसिवरेंस के साथ उसे काम करना चाहिए जिससे कि अपने आप जो थानों में खेला जा सके उसकी शुरुआत आप करना चाहेंगे फुरकबाज बिल्कुल मोस्ट हेवली थानों पर वॉलीबॉल हमेशा से खेला जाता है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी थानों पर वॉलीबॉल खेला